वाह महाविनाशिनी, वाह गया मार मैं आपकी शक्ति को। तौबा तौबा, बस फिर से एक बार तुम्हें बच्चा बनकर किसी तरह बालवीर को 11 पलों के लिए उलझाना है। फिर बालवीर का अंश मैं इस कठपुतली में डालकर उसे अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। अच्छा, नहीं 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 बनूंगा मैं बच्चा। वो करना चाहे कर लो आप। नहीं 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 करूंगा मैं वही कहेंगे जो आप। करूंगा करूंगा जो आप कहेगी। पटेल साहब, मेहता साहब, आप लोग भी आए। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या बात है? नहीं, बड़ी बात हो गई। और ये मुस्कुरा रहा है, शायद अपना दुख छुपा रहे होंगे। क्या आप लोग गणपति का चंदा मांगने तो नहीं आए? महेश बेटा, कैसी बातें करते हो? हाँ, हम दिल के इतने छोटे नहीं जो ऐसे मौके पे चंदा मांगे। हम तो बस हाँ। एक काम कीजिए, आइए आइए अंदर, आइए अंदर बैठ के बात करते। आइए 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 सब लोग आइए। स्मिता माँ, देखो हमारे घर कौन है। ये मेहता साहब, पटेल साहब और बाकी सारे पड़ोसी आए हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। बैठ बैठ। पूरी की पूरी फैमिली अपना दुख छुपा रही है। कहिए, कैसे आना हुआ? महेश बेटा, ऐसे ऐसे समय में जो तुमने धीरज बांध रखा है, मेरी तो आंखों से आंसू निकल। वैसे ये सब कब हुआ? मतलब क्या कैसे हुआ? बेटा, रॉकी ने डगली साहब के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हाँ, वैसे अफसोस वाली बात तो है। देखिए ना, कल हमारे बापूजी ऐसे ऊपर चले गए। अब क्या कर सकते हैं। वैसे ये कैसे हुआ? आप ही की बेटी की शादी में परसों खाना खाया। कल सुबह उन्हें ऐसे सब बहुत होने लगा और फिर अचानक ऊपर। पटेल साहब, मुझे माफ करना महेश बेटा, पर खाना तो मैंने 5 स्टार होटल से मंगवाया था, फिर भी। अरे वही तो, उनको खाना इतना पसंद आया कि 2-3 दिन का खाना एक साथ खा लिया और बस। तब तो ठीक है। अरे क्या ठीक है? एक आदमी आपकी बेटी की शादी में खाना खा के ऊपर चला गया और आप कह रहे हैं ठीक है? शर्म आनी चाहिए आपको। और शर्मानी चाहिए आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ। इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो अच्छा खाना मंगवाया था। आपकी गलती है। पटेल मेहता साहब, ये झगड़ा मत कीजिए। ऐसा आपके झगड़ने से हमारे बापूजी ऊपर से नीचे थोड़ी आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो है। होगा काम समाप्त। और वैसे भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें नीचे लाने की, लेकिन हाँ, पर अब इतनी गहरी नींद में सोया है तो उन्हें जगाना भी ठीक नहीं है ना। वाह, आनंद आ गया। कहाँ है? कहाँ? होगा काम समाप्त। वो भूत नहीं, हमारे बापूजी हैं। जीते जागते हैं, अभी सो रहे हैं। क्या? तो फिर वो हवा में भूत की तरह उड़ कैसे रहे हैं? ये सही कारण तो हमें भी नहीं पता। वो गैस की वजह से शायद उड़ रहे होंगे। लेकिन आपको क्या लगा? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे सोच लिया आपने? अरे देखिए, निकलिए आप, निकलिए। आपकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे। आप निकलिए। कुछ भी बोल, ऐसे लोग ऐसे थोड़ा कमाल। ऐसे कोई आ जाता है। बापू जी नीचे पकड़ो ऊपर मंटू मंटू बॉस आपकी घड़ी तो मस्त है और आपके शूज भी जबरदस्त है। दोनों मस्त है। कहाँ से लिए? ये दादी अब मेरे दोनों तो मेरे पापा ने पतली मिल जाए यूएसए लाए। तुम्हारी तो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। चलो भागो रहते दूंगा। ये सब है ना ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। सॉरी बॉस अब टिफिन चेंज हो गया इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन बॉस इसका असर ना जल्दी खत्म हो जाएगा। सच में मोहित अगर इसका असर जल्दी खत्म नहीं हुआ ना तो तू हमारी टीम से खत्म हो जाएगा। वैसे भी पहले से तेरे वजह से मोंटू बॉस की बहुत बैंड बज चुकी है। समझा मोंटू बॉस मैं आपकी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा उन पिद्दियों से। ये देखो बॉस खुजली वाला पाउडर अब उन लोगों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। हाले तू ये तब सीधे लाता ताते है। अरे बॉस अब आम खाओ ना गुटलिया क्यों गिन रहे हो। तो इतने आम के तकल में हमारा काम तमाम होता है। फिर नजर रखनी पड़ेगी। तूने कहावत सुनिए तैती करनी वैती बननी पड़ता वो है पढ़ना मुझे पड़ता है। क्या तो बलबल बोला मतलब बराबर बोला बस। बालवीर उस मोंटू का भरोसा जीतने के चक्कर में वो मोहित हमारे खिलाफ अलग अलग प्लान्स बना रहा है। वैसे तो हमने उसके प्लान उसी पे पलट दिए। हाँ लेकिन मोहित को बुराई से दूर रखना बहुत जरूरी है। वही सबके लिए अच्छा होगा। और अगर मोहित ने बुराई का साथ नहीं छोड़ा तो मुझे उसे सबक सिखाना होगा। महर बालवीर बालवीर भागो। लगता है इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तौबा तौबा जैसे तुम्हें समझाया है वैसे ही करना। जी महाविनाशिनी तौबा तौबा तुम्हें 11 पलों के लिए बालवीर को रोक के रखना है। कोई बेवकूफी मत करना। जी महाविनाशिनी। अरे तुम पेड़ पर कैसे अटक गए? बालवीर तो है पूछना सवाल वो देता इसे जवाब होशियारी से। कहीं ये मुझे पहचान ना चाहे। बताओ तुम पेड़ पर क्यों अटक गए? मैं अमरूद के लालच में पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन ये तो अमरूद का पेड़ नहीं है। गया मर साथ। तौबा तौबा बस कुछ और पल है। उलझाए रखो बालवीर को। बाद पता चला कि ये पेड़ अमरूद का नहीं है। हो गई गलती मुझसे, मुझे लगा होंगे इस पेड़ पे अमरूद। मुझे नीचे उतारो। ठीक है चलो, मैं तुम्हें नीचे उतार ही देता। चार तोबा तोबा, बस 3 और पल, जाने मत देना। अब तुम ठीक हो ना? ये तो मानव मेहर की आवाज है, वो मुझे पुकार रहे हैं, मुझे जाना होगा। मालवी शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया, बड़ा मजा आया। अब देखो, अब और भी बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं और इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है मालवी, सुनो तो। बच कैसे गया बाल वीर, कैसे बच गया? एक और मौका चाहिए, ऐसे नहीं जा सकता बाल वीर। एक और मौका, तौबा तौबा, एक और मौका। हो गया, टाइट टाइट हो गया। एक काम करो, पकड़ो इसे। खींचो खींचो, लगा के खींचो जल्दी। अरे महेश, जोर से नीचे बोल। बोल बोल नहीं माँ, बोल। अब वही सेम टू सेम बोल। चार लगा के लगभग नीचे, पूरे नीचे। महेश, बापूजी को अगर हमने छोड़ दिया तो फिर से ऊपर चले जाएंगे, इसलिए इन्हें यहीं रखने के लिए कुछ वजन रखना पड़ेगा। स्मिता मां, रॉकी, कुछ वजनदार चीजें लेके आओ। नीचे 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 रख। मैं छोड़ के देखता हूँ। नहीं नहीं, कुछ और चाहिए, और कुछ मदद। ये रहा मिठाई का डब्बा। हो गया काम समाप्त। अब छोड़ता हूँ बाबू जी, छोड़ के देखते हैं। नहीं उड़ रहा, नहीं उड़ रहा। हो गया भाई। बहू, ये तुमने क्या किया? क्या किया बापू जी? मिठाई मेरे सामने रख दी। खबरदार खबरदार, जो आपने इस डब्बे में से एक भी टुकड़ा खाया तो इस मिठाई का वजन अगर कम हो गया ना तो आप फिर से ऊपर चले जाओगे। हाँ। और अब आपको ऊपर से नीचे कोई नहीं उतारेगा। हाँ। समझे? समझ गया। मिठाई खाऊंगा। हाँ? नहीं। हाँ। हाँ। पालवी जी, पालवी जी, सॉरी पालवी जी। अब बालवीर मेरे हाथों की कठपुतली बन ही जाएगा। यारा पल चाहिए मुझे तौबा तौबा। तुम तीनों को इसकी सजा तो मिलेगी। बालवीर जी, आपको सजा दे रही है ना, तो हमें नहीं, इस मोहित के बच्चे को दीजिए। मोहित आपकी आवाज ठीक हो गई? अरे हाँ रे बालवीर जी, तो इसी बात पे हमें छोड़ दीजिए और इस मोहित के साथ आपको जो करना है करिए। नहीं, सजा तो तुम दोनों को ही मिलेगी। हाँ? क्योंकि मोहित ने जो ये शरारत की है वो तुम दोनों के कहने पे की है। हाँ बालवीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या क्या सही क्या? हाँ। बालवीर जी ये ना शैतानी का हेड मास्टर है। हाँ। पता नहीं कहाँ से अजीब अजीब गैजेट आता है और वो गैजेट सिर्फ मेरी बैंड बजा। हाँ। देखिए बालवीर जी मेरी ऑलरेडी बहुत बैंड बज चुकी है, अब आप मेरी और बैंड ना बजाएं प्लीज। मैं सॉरी बोल रहा हूँ बालवीर जी, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। बालवीर जी इन दोनों की तरफ से मैं भी सॉरी बोलता हूँ। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। ठीक है, मैं तुम तीनों को छोड़ देता हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी चेतावनी। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। ग्यारह पल हो गए पर बालवीर का अंश मेरे कठपुतली में नहीं आया। हो गई आपकी योजना असफल, चला गया बालवीर। मार रही थी आप तो बड़ी डींगे कि बनाऊंगी बालवीर को कठपुतली, नचाऊंगी उसे अपने इशारों पर, लेकिन हो गया आपका टाई टाई फिस। मतलब है नहीं बालवीर कोई साधारण बच्चा, है वो सच्चाई और अच्छाई का रक्षक जो देख रही आप उसे अपने वश में करने का सपना। अगर है करना उसे अपने वश में तो करना होगा आपको कुछ बड़ा। सही कहा तुमने बाबा, बालवीर असाधारण है, उसे अपने वश में करने के लिए 11 नहीं मुझे 22 पलों की आवश्यकता है और उस 22 पलों के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। करो करो।